नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल मजरिया, झारखंड, एक बहुत छोटे शहर झरिया, जिसे लोग आग का झरिया कहते हैं। बाई बर्थ मैं झरिया से हूँ और वो दर्द, वो कराहते लोग, वो हॉस्पिटल की मारामारी, वो ऑक्सीजन की मारामारी, वो रामदेव शिविर रोंगटे खड़े करने वाले माहौल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं करी। लोगों की सेवा करने में मज़ा आता था। रात को 2 बजे महाराष्ट्र से फ़ोन आता था, कभी बिहार से फ़ोन आता था, झारखंड से फ़ोन आता था, बंगाल से फ़ोन आता था। मैं रोता था कि मैं और क्या कर सकता हूँ। मैंने एक ग्रुप बनाया था, उसमें 1000 लोगों से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर में फ़ोन आते थे, तो मेरी सेवा कर दीजिए, मेरी मुझे हेल्प कर दीजिए, मुझे ये दवा दिला दीजिए, मुझे ये कर दीजिए। दर्द, पीड़ा से, दर्द से मन रो उठता था। मैं क्या हूँ, मैं तो दुनिया में कुछ भी नहीं हूँ। जो हम लोग हवा में उड़ते थे, बिना पंख के नीचे ज़मीन पे आके गिर पड़े थे और असहाय। तो उसमें मैंने थोड़ी सी अपने आप को जो है समाज को सेवा के रूप में प्रस्तुत किया, जो मुझे राजीव गांधी अवार्ड्स, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स ऑफ द कंट्री से हमें मुझे नवाजा गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ग्लोबल इंडिया एसोसिएशन, मिस्टर राजीव जोसेफ फॉर अप्रोचिंग मी फॉर द, मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन आई एम वेरी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। जबकि 20 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच मेरे अपने घर में 3 मौत हुई थी, बनारस वाली दीदी, मेरा भतीजा और भतीजे के वाइफ। 3 मौत होने के बावजूद मैं सोशल एक्टिविटी नहीं छोड़ा, रात दिन सेवा में लगा रहा। पता नहीं क्या जुनून था मेरे अंदर। मानव सेवा करने का आपका जुनून होना चाहिए। ये नहीं कि आप पैसे वाले हैं या बड़ी गाड़ी वाले हैं या बहुत पहुंच वाले हैं तभी सेवा करेंगे, बिल्कुल नहीं। मुझे गर्व है, आज भी मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर दिन रात लगा रहता हूँ, क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है समाज, इंसानियत के लिए कुछ कर जाएं। जाना तो सबको है, मुझे भी जाना है और भी लोगों को जाना है, लेकिन जाने के पहले अपने हाथों से कुछ कर जाएं, ताकि लोग जाने के बाद याद रखें। एक नाम ही तो चलता है, दुनिया यूँ ही चलती रहेगी, लेकिन एक नाम तो चलता है कि नाम के पीछे आदमी मरता है। साथ ही मुझे बड़ा गर्व होता है, सोनू सूद, मिस्टर के वी आर राव, कांग्रेस के सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। और दुख की घड़ी कोरोना काल में जी जान तन मन धन से सेवा करी। हमें गुरुद्वारा सिख समुदाय से भी सिख लेना चाहिए। हमें सेवा कैसी होनी चाहिए, हमेशा एक कदम आगे, सभी लोगों को तुरंत एकदम आगे रहना चाहिए। ये चीज़ मैंने सीखा सिख समुदाय से, कैसे भी घड़ी होती है, सिख समुदाय बिल्कुल तुरंत सोचते नहीं है, बिल्कुल मतलब तुरंत हाजिर रहते हैं। ये फैसला आपको आज ही करना है, ये नहीं कि कल देखूंगा, कल करूंगा। मैं कोई नेता या अभिनेता नहीं हूँ जो लंबे चौड़े भाषण दूँ, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। हाथ जोड़कर सभी डॉक्टर हॉस्पिटल से भी दरख्वास्त करता हूँ कि हॉस्पिटल को बिजनेस नहीं बनाएं, केवल समाज सेवा का ध्येय होना चाहिए। सनसनीखेज समाचार, पटना से 4 लाख का बिल बनाकर 10 दिन में के बाद डेड बॉडी दिया गया। सिर्फ 10 दिन के लिए 4 लाख का बिल बनाया और उसके बाद पैसे लेने के बाद डेड बॉडी दिया गया। मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव ने 12 लाख रुपए ले गए, पेमेंट लेने के बाद 13 घंटे के बाद डेड बॉडी दिया गया। सचमुच कलंकित सा लगता है, किसी तरह से दुकान मकान गिरवी रखकर उस गरीब ने पैसे दे भी दिए, तो एक प्राइवेट एटी का मारुति गाड़ी के अंदर दो दो लाशों को एक साथ 4 बजे के बाद
प्राइवेट गाड़ी में जानवर की तरह और क्रीमेशन ग्राउंड भेजा गया है। बड़े शर्म की और निर्दलीय बिल्कुल गिरे हुए, मतलब कहाँ समाज जा रहा है, कहाँ हम दुनिया जा रही है समझ नहीं आ रहा। तो 3 महीने हो गए, ना हॉस्पिटल ने जवाब दिया, ना कोई डॉक्टर ने जवाब दिया कि क्या इलाज किया, 12 लाख रुपया किस बात का लिया, ना इंसानियत तो बिल्कुल समझ खतरे में हो गई। हमने 3 महीने से ह्यूमन राइट्स कमीशन को के दरवाजे खटखटाया है तो शायद कोई न्याय मिल सके। सचमुच हमें समाज सेवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसा सब कुछ नहीं होता, अर्निंग ऑफ मनी डज नॉट मैटर। मैं आज भी वही जो कहती हूँ, आपका महेंद्र। थैंक यू एवरीबॉडी और थैंक यू ग्लोबल फाउंडेशन। सचमुच मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ आपने मुझे सम्मान दे करके, और थैंक यू। मैं नौजवानों से भी आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, पैसे के अलावा भी कुछ होता है। थैंक यू एवरीबॉडी।